नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मधुलिका है। आज आप लोगों को हम दो नई डिशेज बताने जा रहे हैं, जो पहला है स्वीट कॉर्न चाट और दूसरा है बेबी कॉर्न फ्राइज। आइए देखते हैं स्वीट कॉर्न चाट बनाने की विधि। स्वीट कॉर्न चाट बनाने के लिए हमें ये सब सामग्री चाहिए। ये दो पैकेट स्वीट कॉर्न लिए हैं, बारीक कटा हुआ प्याज है, बारीक कटा हुआ टमाटर है, बटर है एक कटोरी, दो हरी मिर्च है बारीक कटा हुआ, एक नींबू का रस है, धनिया पत्ता है बारीक कटा हुआ, और ये सब मसाला है। ये काला नमक है, सादा नमक है, कश्मीरी लाल मिर्च है और कुछ अदरक का टुकड़ा है। सबसे पहले हम स्वीट कॉर्न को 3 मिनट के लिए उबालेंगे। तो हमारा स्वीट कॉर्न उबल के रेडी है। अब हम इस कढ़ाई में बटर को डालेंगे। कढ़ाई भी मेरा गर्म हो गया है। ये गर्म हो जाएगा, फिर इसमें प्याज को डालेंगे। प्याज हमारा नरम हो चुका है, अब हम इसमें टमाटर को डालेंगे। दो मिनट चलाने के बाद अब इसमें हम मिर्च को मिला रहे हैं। एक मिनट चला लेंगे। अब हम इसमें स्वीट कॉर्न को मिलाएंगे। अब 2 मिनट चला लेने के बाद इसमें हम काला नमक को डालेंगे, सादा नमक को डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च को डालेंगे, अदरक को डालेंगे। इसके बाद हम इसको 2 मिनट के लगभग चलाएंगे। अब हमारा स्वीट कॉर्न चाट तैयार है। अब इसमें हम धनिया पत्ता को डालेंगे। अब इसमें नींबू का रस मिला देंगे। गैस ऑफ करने के बाद अब हम प्लेट में इसको निकालेंगे। जो धनिया पत्ता थोड़ा सा सोए थे उसको ऊपर से गार्निश करेंगे। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। हमारा चाट बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम देखते हैं बेबी कॉर्न फ्राइज बनाने की विधि। बेबी कॉर्न फ्राइज बनाने के लिए हमें ये सब सामग्री चाहिए। ये बेबी कॉर्न एक पैकेट लिए हैं, ये अरारोट है, ये तेल है रिफाइंड तेल, कश्मीरी लाल मिर्च है, सादा नमक है। बेबी कॉर्न को इस तरह से काटेंगे। जो मैंने पहले से ही कटे हुए बेबी कॉर्न को अब हम 5 मिनट के लिए उबालेंगे। अब हमारा बेबी कॉर्न उबल चुका है, अब इसे हम छान लेंगे। अब छानने के बाद बेबी कॉर्न को सूखे कपड़े से पोंछ लेंगे ताकि पानी इसमें नहीं रहे। अब सारी सामग्री को हम बाउल में डाल लेंगे।
उसके साथ तेल को भी डालेंगे। अब हम इसे मिला लेंगे। अब हमारी सारी सामग्री मिल चुकी है, अब इसे हम फ्राई करेंगे। तेल गर्म हो चुका है। अब इसे हम 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये फ्राई हो चुका है। अब इसे हम निकालने के बाद दोबारा फ्राई करेंगे डीप, जिसे हम फ्लैश फ्राई करते हैं। दोबारा फ्राई करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम इसे सर्व करेंगे। अब हमारा बेबी कॉर्न फ्राइज बनके तैयार है। तो आप हमें बताइएगा कि दोनों डिशेज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे इंस्टाग्राम पर रवि मधुलिका पेज को भी फॉलो कीजिएगा।